व्हाट्स अप गाइस, संजोत की हियर, वेलकम टू IFL। पेस्टो कैसे बनाते हैं आज बताने वाला हूँ। अब इटली में पेस्टो बनाया जाता है बेजल यूज़ करके, साथ में थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, पार्मेजान चीज़, थोड़ा सा गार्लिक और पाइन नट्स डाल के बनाया जाता है। अब पेस्टो के कई सारे वर्जन्स बनाए जाते हैं दुनिया भर में, जैसे पाइन नट्स के अलावा इटली में ही ब्रेड क्रम्स भी यूज़ किए जाते हैं उसको थोड़ा चीपर वर्जन बनाने के लिए। पीनट्स डाल देते हैं, आमंड्स यूज़ करते हैं, वॉलनट्स यूज़ कर सकते हैं। आज मैं वॉलनट्स यूज़ करने वाला हूँ क्योंकि वॉलनट्स अक्सर हमारे इंडियन किचन्स में ईजीली अवेलेबल हो जाता है। पाइन नट्स थोड़े से और महंगे हो जाते हैं, बट पाइन नट्स भी आप यूज़ कर सकते हो और ये रेसिपी बना सकते हो। पेस्टो बनाने के बाद पास्ता इन पेस्टो सॉस, वो भी कैसे बनाते हो बताने वाला हूँ। बहुत इजी प्रोसेस है, पास्ता को परफेक्टली बॉईल कैसे करते हैं वो भी बताने वाला हूँ। बहुत सिंपल, बहुत ही फटाफट वाली रेसिपी है। पेस्टो कैसे बनाई जाती है वो देख लेते हैं। एक चॉपर में 2 से 3 टेबलस्पून एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, 1 लहसुन की कली, 4 से 5 अखरोट यानी कि वॉलनट और 1 चुटकी भर नमक डालकर आपको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। ये हम पहले इसलिए ग्राइंड कर रहे हैं कि जो नट्स हम यूज़ कर रहे हैं वॉलनट्स और जो गार्लिक है वो अच्छे से पिस जाए, क्योंकि बाद में बेजल डालेंगे तो इनको पीसने में थोड़ी मुश्किल हो जाती है, हीट जनरेट हो जाती है ग्राइंडर के अंदर। तो आप देख सकते हो एकदम अच्छे से इमल्सिफाई हो गया है सब कुछ, एकदम पिस चुका है। इस स्टेज पर यहाँ पर मैं एक बड़ा बंच बेजल लीव्स का डाल रहा हूँ, 100 ग्राम्स बेजल लीव्स ले लिए यहाँ पर, एकदम क्लीन किए हुए हैं। 50 ग्राम्स यहाँ पर पार्मेजान चीज़ ग्रेट करके ऐड कर रहा हूँ और साथ ही में 1 टेबलस्पून एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का और ऐड कर रहा हूँ। अब आपको करना क्या है कि इस पेस्टो को आपको ग्राइंड करना है, इसकी एक बहुत फाइन पेस्ट नहीं बनानी है, कोर्स इसको ग्राइंड करना है। बीच बीच में मैं ढक्कन खोलकर इसमें और तेल ऐड करूंगा और टोटल मैं यहाँ पर पहले 2 टेबलस्पून और अभी 4 से 5 टेबलस्पून और यूज़ करने वाला हूँ। तो इस तरीके से बीच बीच में खोलकर साइड्स को थोड़ा सा स्क्रेप करके और थोड़ा सा तेल डालकर इसको ग्राइंड कीजिए, जब तक कि कंसिस्टेंसी इसकी जो है कुछ इस तरीके की नहीं हो जाती। और आप देख सकते हो हमारी पेस्टो जो है वो रेडी हो गई है। तो पेस्टो रेडी हो गई है। अब जो इंडिया में बेजल हमें मिलती है उसका जो कलर है वो हल्का सा डार्क होता है। अब आपको अगर इस पेस्टो का कलर और ब्राइट ग्रीन करना है तो उसका एक तरीका है, वो सही तरीका है, वो भी गलत तरीका नहीं है। पेस्टो को बना सकते हो बेजल को ब्लांच करके, तो बेजल को उबलते हुए पानी में डालना है बस कुछ ही सेकंड्स के लिए, फिर निकाल कर आइस कोल्ड वाटर में शॉक करना है, जैसे हम पालक को ब्लांच करते हैं अक्सर पालक पनीर के लिए, वैसे ही ब्लांच करने के बाद थोड़ा पैट ड्राई करके वो बेजल यूज़ कीजिए, तो आपके जो पेस्टो का कलर है वो काफ़ी ब्राइट आएगा। ये जो पेस्टो है इसको यूजुअली एकदम फ्रेश बनाकर उसी टाइम यूज़ किया जाता है, बनाकर रखते नहीं है, क्योंकि बहुत जल्दी कुछ ही मिनट्स में ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाती है और डार्क कलर की हो जाती है, इसका कलर बहुत जल्दी काला पड़ने लग जाता है। तो ब्लांच की हुई जो बेजल है उससे जो पेस्टो बनती है वो बहुत जल्दी काली नहीं पड़ती है, थोड़े समय तक इसको फ्रिज में आप रख सकते हैं। तो ये मैंने आपको एक टिप बता दी, और पेस्टो जब भी बनाएंगे फ्रेश बनाओ, उसी टाइम यूज़ कर लो, सबसे बेस्ट रिजल्ट्स तो आएंगे। अब ये पेस्टो को आप पास्ता में ऐड कर सकते हो, आप व्हाइट सॉस वाला पास्ता बनाते हो उसमें ऐड कर दो तो वो भी कर सकते हो, पिज्ज़ास के ऊपर ऐड किया जाता है, ब्रुशेटा पे ऐड किया जाता है, टोस्ट में ऐड किया जाता है, चिकन ग्रिल करते हैं चिकन के अंदर ऐड कर सकते हो, तो कई सारे इसके एप्लीकेशन हैं। आज मैं एकदम सिंपल पेस्टो पास्ता कैसे बनाते हो बताने वाला हूँ। तो पास्ता को एकदम परफेक्टली कैसे बॉईल किया जाता है वो देख लेते हैं। पानी को एकदम रोरिंग बॉईल पे ले आना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पानी अच्छे से उबलना चाहिए। फिर इसके अंदर एक लार्ज जेनरस पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड कीजिए। नमक ऐड करने के बाद इसमें यहाँ पर मैं पेने पास्ता ऐड कर रहा हूँ, 250 ग्राम पास्ता मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, इसमें पूरी जो पेस्टो सॉस है ऑलमोस्ट यूज़ हो जाएगी। पास्ता को अभी आपको टाइम लगाकर 8 मिनट के लिए बॉईल करना है, तो बस स्टार्टिंग में जब पास्ता डालो एक बार स्टर करो, बीच में 8 मिनट में 2-3 बार आप पास्ता को स्टर कर सकते हो, कभी कभी नीचे पास्ता जो है पॉट पे स्टिक हो जाता है, तो बस 8 मिनट टाइमर लगा के आपको पास्ता को बॉईल करना है। उसके बाद पास्ता को मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ, बीच में से ऐसे जब कट करोगे ये आप देख सकते हो जो बीच में रिंग है इसमें एक ड्राई वाइट रिंग नहीं होनी चाहिए, ये अगर रिंग नहीं है ऑलमोस्ट गॉन है, मतलब पास्ता आपका एकदम परफेक्टली पक चुका है। पास्ता जब आप खा के देखेंगे तो हल्की सी इसमें बाइट रहनी चाहिए, यानी कि ये अल दांते होना चाहिए, ऑलमोस्ट कुक होना चाहिए, ऑलमोस्ट डन, तो वैसे आपका पास्ता बॉईल होना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा पास्ता प्रॉपरली कुक्ड पसंद करते तो कर सकते, कोई गलत नहीं है, हम इंडियंस को काफ़ी लोगों को थोड़ा पास्ता प्रॉपरली कुक्ड अच्छा लगता है, तो 2-3 मिनट के लिए आप और बॉईल कर सकते हैं। पास्ता एक बार बॉईल हो जाए उसे निकाल कर एक स्ट्रेनर में डालकर स्ट्रेन कर लीजिए। पास्ता को अगर बाद में यूज़ करने वाले हैं तो इस स्टेज पर थोड़ा सा ऑयल डालिए, मिक्स कर लीजिए। इमिजिएटली अगर यूज़ कर रहे हैं जैसे मैं आज कर रहा हूँ तो इमिजिएटली यूज़ कर सकते हैं, जो पास्ता वाटर है इसको फेंकना नहीं है, इसे रिजर्व करके रखिए।
गरम गरम पास्ता को एक बोल में ट्रांसफ़र कीजिए। अब इसके ऊपर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से पार्मेजान चीज़ ग्रेट करके ऐड कीजिए, साथ ही में बेसिल पेस्टो जो हमने बनाई थी वो ऐड कर दीजिए। और अब अच्छे से आपको स्टर करना है। अच्छे से स्टर करते वक्त अगर लगे ये ड्राई है तो थोड़ा सा पास्ता वाटर लीजिए, इसके अंदर डालिए, इसके लिए हमने रिजर्व किया था पास्ता वाटर को। अच्छे से स्टर कीजिए कि जो पेस्टो है वो पास्ता को अच्छे से कोट हो जानी चाहिए। एक बार ये प्रोसेस आपने कर लिया है तो टेस्ट कर लीजिए। टेस्ट करके यहाँ पर थोड़ा सा सीजन कर लीजिए, थोड़ा सा नमक ऐड कर दीजिए अगर चाहिए तो, फिर से अच्छे से स्टर कर लीजिए और ये हमारा पेस्टो पास्ता रेडी हो गया है। लेट्स प्लेट इट वाइफल स्टाइल। आपने देखा बेजिल पेस्टो बनाना कितना आसान है और साथ में पेस्टो पास्ता कैसे बनाया जाता है वो भी आपको बता दिया। बहुत आसान तरीका है। यही पास्ता में अगर वेजीज डालना चाहते हैं तो क्या कर सकते हो, एक पैन के अंदर ऑलिव ऑयल डालो, थोड़ा सा स्लाइस्ड गार्लिक डालो, उसको अच्छे से ब्राउन करो, चेरी टमेटोज, थोड़ी वेजीज डालो और फिर उसके बाद फ्लेम को बंद करके पास्ता ऐड करके सेम प्रोसेस पार्मेजान चीज़ पेस्टो मिक्स, थोड़ी सी व्हाइट सॉस डाल दोगे तो थोड़ा क्रीमी पास्ता बन जाएगा। तो कई सारे वर्जन ऐसे बना सकते हो। डू ट्राई दिस रेसिपी एट योर होम। मुझे कमेंट्स में बताओ आपको रेसिपी कैसी लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी। फॉलो एंड सब्सक्राइब टू YFL इफ यू हैवंट येट। हैव एन अमेजिंग टाइम विद दिस ब्यूटीफुल पेस्टो पास्ता रेसिपी एट योर होम। चीयर्स।